आपके दुकान से चाहिए तो आप कुरियर करवा सकते हो, कुरियर हो जाएगा। टू पे सर्विस होती है कि हम लोग यहाँ से आपके कुरियर में डाल देंगे, आप वहाँ रिसीव करने के टाइम आपको पेमेंट देना पड़ेगा। PS4 स्लिम ग्रे मार्केट इम्पोर्टेड लेंगे तो 14,000 rupees। प्रो अभी चल रहा है आपको सिंगल जॉयस्टिक के साथ, वो 26,000 या 27,000 में आ जाएगा। इम्पोर्टेड इतना सस्ता है, इम्पोर्टेड आज हम सर से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बात करेंगे और आपको बताएंगे आपको क्यों इस शॉप में आना चाहिए अगर आप मीरा रोड में रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने शॉप में क्या क्या रखते हैं? हमारे शॉप में गेमिंग कंसोल्स, मतलब सारे गेमिंग कंसोल्स आपको मिल जाएंगे, एक्सबॉक्स 360, PS4, PS3, PS2, रेट्रो गेम्स में चाहिए तो जैसे कि कॉन्ट्रा, मारियो, वो सब गेम्स, बेसिकली निंटेंडो स्विच, सारे गेम्स आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो जैसा मैं इनके बारे में जानता भी हूँ तो यहाँ पे रिपेयरिंग भी होता है और ये आपको गेम्स के DVD आपको सब प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से हमें क्या क्या सामान सस्ते दाम में मिलता है जिसके लिए आप भी ये वीडियो देखने आए हैं, तो आप बताइए आप क्या क्या अच्छे में बेचते हैं। बेसिकली हमारे पास वो PS4 बहुत वीडियोज देखे, बहुत सारे कॉल्स आते हैं यूट्यूब से कि सबसे सस्ता चीपेस्ट, दिल्ली वालों के वीडियोज देखे हैं 12,000 में, 10,000 में, तो वो बेसिकली थोड़ा सा मिसगाइडिंग टाइप भी होता है। देखो सेकेंड हैंड जो ये सस्ते में जो कंसोल्स मिलते हैं वो प्योरली सेकेंड हैंड होते हैं, ब्रांड न्यू कंसोल आपको 9-10 हज़ार में कभी नहीं मिलेगा। ब्रांड न्यू जो है उसका दो प्राइस है, एक है ग्रे मार्केट प्राइस जो बोलते हैं इम्पोर्टेड वाला, और एक होता है जो बिलिंग प्राइस। बिलिंग प्राइस आज की तारीख में 20,000 चल रहा है, 4 गेम के साथ 1 साल की कंपनी वारंटी जो सोनी ऑल ओवर इंडिया दे रही है आपको। और उसके बाद जो आता है वो है ग्रे मार्केट का, जो इम्पोर्टेड बोलते हैं, इम्पोर्टेड का आज की डेट है उसकी 18,000 rupees में आ रहा है आपको ब्रांड न्यू PS4 500 GB। ये इम्पोर्टेड का पैसा 18,000 रुपया। तो आपको कोई बोले 10,000 में 11,000 में नया दे रहा है तो वो फेक है, 18,000 आज का है, वो भी 500 GB। 1 TB लेंगे तो मैक्सिमम 20,000 रुपीज़ में, और जो ऐड आप देखते हो 8,000-9,000 में, तो डिपेंड करता है सेकेंड हैंड पीस है। अभी जैसे कि मेरे पास एक PS4 रखा है, ये फैट वाला मॉडल है PS4, ये मुझे आज के तारीख में 11,000 में बेचना है, 11,000 रुपीज़ में 500 GB है, तो ये ऐसा है। और इससे थोड़ा अच्छा कंडीशन होगा, स्लिम मॉडल होगा तो वो 14,000-15,000 ऐसा जाएगा। तो सस्ते में सस्ता भी है, 8,000 में मिल जाएगा, पर जितना कम प्राइस मतलब कंडीशन भी उसकी वैसी रहेगी। तो आप PS3 भी मुझे जैसा दिख रहा है आप PS3 भी रखते हो? PS3 भी मिल जाएगा, Xbox 360 भी, मैं कह रहा हूँ मतलब गेमिंग कंसोल्स में आपको सारे मिल जाएंगे जो जिसका सपोर्ट है। जैसे PS2 लोग, काफ़ी लोगों को लगता है PS2 बंद हो गए, पर PS2 आज भी चल रहा है और हम लोग उसको आज भी सपोर्ट करते हैं। मेरे पास ही लगभग 800-900 गेम्स है PS4 के अवेलेबल मेरे कंप्यूटर में, तो जब तक चलता रहेगा PS2 अपन चलाते रहेंगे उसको। तो अगर आप गेमिंग फील्ड में नए हो और आपको मतलब स्टार्टिंग करना है तो मेरे हिसाब से जो ये रहेगा और सर के हिसाब से भी ये आपका अच्छा स्टार्टिंग रह सकता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं इसके प्राइस। ये तो बेसिकली हर किसी ने बचपन में खेला ही होगा, कॉन्ट्रा, मारियो, जो ब्लॉक गेम्स आते थे 8-bit ग्राफिक गेम्स। तो इसकी ये स्पेशलिटी ये है कि ये आपको 2-in-1 है, या आप हैंड पे भी खेल सकते हो और AV कॉर्ड लगा के आप TV पे भी खेल सकते हो। तो बिगनर्स, जितने भी बिगनर्स हैं वो लोग इससे बिगनिंग कर सकते हैं, और इससे थोड़ा हायर वर्जन जाना है तो सबसे बेस्ट है PS2। PS2 सबसे बेस्ट है, आप इसके बाद सीधा PS2 के लिए जाइए और वहाँ से अपने मतलब खेलना सीखना है तो आप कंट्रोलर सब सीख सकते हैं। तो इसकी प्राइस आप क्या रखते हो? इसकी ब्रांड न्यू की प्राइस अभी कुछ चल रही है 11,000 rupees, Xbox 360 ब्रांड न्यू आपको 11,000 में मिल जाएगी। तो इसमें हम लोग GTA 5 खेल सकते हैं। तो जिनको GTA 5 खेलना है और ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते वो, तो ये बड़े बड़े मॉडल्स का PS4 Pro 40,000 तक उन लोग नहीं जा सकते, तो इससे वो GTA 5 तो डेफिनेटली स्टार्ट कर पाएंगे। अभी PS3 की बात करूं तो इसमें आप प्री ओन्ड भी रखते हो और न्यू पीस रखते हो? न्यू पीस मिल जाएगा, प्री ओन्ड आपको ये 6,000 rupees से स्टार्टिंग है, 6,000 में आपको प्री ओन्ड PS3 मिल जाता है। Xbox 360 भी आपको 6,000 में प्री ओन्ड मिल जाएगा, तो 6,000 से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसकी सीडीज वगैरह या आपको जेल ब्रेक वगैरह भी, ये जेल ब्रेक का अलग सेक्शन है जिसमें आप सब कंसोल्स को आप जेल ब्रेक कर सकते हो, और आपकी जो ओरिजिनल DVD जो 3,000-3,000 की आती है वो आप सस्ते में 150-100 rupees में आप खेल सकते हो। कंसोल को जैसे PS3 में बात करूं तो आप उसमें जेल ब्रेक करोगे तो सबकी प्राइस एक ही रहेगी? नहीं, सबका अलग कंसोल के हिसाब से। कंसोल के देखो जो Xbox 360 है ये हार्डवेयर क्रैक होता है, इसको हार्डवेयर जेल ब्रेक होता है, चिपिंग होती है। PS2 होता है, PS2 में भी जेल ब्रेक में चिप लगानी पड़ती है। PS3 है जो सॉफ्टवेयर क्रैक है, सॉफ्टवेयर से होता है,
और जो PS4 चल रहा है वो PS4 में कोई जेल ब्रेक नहीं चल रहा है, वो बेसिकली आईडी चल रही है, लोग आईडी अपनी बेच रहे हैं, तो वो भी अच्छा अच्छी डील है। एक सीडी 3000 की आती है, तो उतने अमाउंट में आपको 7-8 गेम मिल जाती है 3000 रुपये में, किसी की आईडी आपने परचेस कर ली हो, तो वो भी स्टोर पर अवेलेबल है। तो PS3 की प्राइस आपने क्या बताई थी? ये 6000 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। 6000 रुपीज़। और जैसा आपने बताया कि इसके बाद हम लोग PlayStation 2 पे जा सकते हैं, तो आप उसकी प्राइस हमें बताइए। PS2 तो स्टार्टिंग है 2.5 से, 2.5 से स्टार्टिंग है, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट है उसके में बहुत सारे, फिर आपको चिपिंग वाला है, पेन ड्राइव वाला, हार्ड ड्राइव वाला, सीडी वाला, बहुत अलग अलग वेरिएंट है, पर बेसिक है 2.5 हज़ार रुपये। अच्छा, PS4 स्लिम की मैं बात करूं तो उसमें आप प्री ओन्ड रखते हो, इम्पोर्टेड रखते हो और न्यू जिसमें आपको वैल्यू मिलता है, तो उन तीनों की आप प्राइस भी होते हैं। PS4 स्लिम सेकेंड हैंड से शुरू कर दो, PS4 स्लिम सेकेंड हैंड में अच्छे से अच्छे कंडीशन में लेने जाएंगे तो 14,000 रुपीज़ ये स्टार्टिंग है 14, और उसके बाद आप PS4 स्लिम ग्रे मार्केट इम्पोर्टेड लेंगे तो 19,000 रुपीज़ का है, और बिल वाला 28,000 रुपीज़ का, 28। अच्छा, तो इसमें 500 GB 1 TB बिल वाले में 1 TB 4 गेम के साथ, और प्लस 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी है। तो PS4 प्रो का क्या है? प्रो अभी चल रहा है आपको सिंगल जॉयस्टिक के साथ में 35,000 रुपीज़, डुअल जॉयस्टिक के साथ में आपको 38,000 रुपीज़ का मिलेगा। ये दोनों ऑफिशियल प्राइस है, विद बिल विद वारंटी, ऑल ओवर इंडिया क्लेम कर सकते हो, मतलब इसमें कोई हिडन नहीं है कि आपने यहाँ से खरीद लिया और क्लेम नहीं कर सकते, और इम्पोर्टेड आप लोग है तो वो 26,000 या 27,000 में आ जाएगा। इम्पोर्टेड इतना सस्ता है? इम्पोर्टेड सस्ता है, क्योंकि मैंने दूसरे शॉप पे और दूसरे का वीडियो देखा तो उन लोग 30 से ऊपर ही बता, नहीं 27-28 में मिल जाता है इम्पोर्टेड, पर एज अ स्टोर कीपर और एज एन इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं कहूँगा कि बिल वाला लेना चाहिए, क्योंकि इम्पोर्टेड कैसा है, लेने के बाद बाई चांस कभी 6 महीने 8 महीने में कुछ इशू आया, बड़ा बहुत महंगा कंसोल है तो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और बनता भी जल्दी नहीं, इसके उसके स्पेशलिस्ट कारीगर भी नहीं है, हम लोग के पास भी जो बंदे आते हैं तो वो भी कभी कभी बोलते हैं नहीं हो पाएगा, तो बेटर ऑप्शन है आप बिल वाला लें, हैवी कंसोल ऑलवेज बिल पे खरीदें। और अगर जैसे कुछ लोगों को डाउट रहता है कि अगर हमने ऑनलाइन परचेस किया तो अगर ये ख़राब हुआ हमारा प्रोडक्ट तो उसकी वारंटी क्लेम करने के लिए हमें दौड़ना पड़ेगा, पर या आपके शॉप पे ऐसा कुछ बायर्स को कुछ फीचर्स मिलता है? ये बहुत अच्छा टॉपिक आपने मेरे से पूछा, रिसेंटली मेरे पास 4 कस्टमर्स बैक टू बैक आए हुए और सबने फ्लिपकार्ट से अपना प्रोडक्ट खरीदा है। फ्लिपकार्ट पे क्या चल रहा है कि ये कहते हैं कि आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, सोनी का ऑफिशियल प्राइस से 3-3 हज़ार रुपया कम में बेचते हैं, सोनी ऑफिशियल प्राइस 28 है, ये आपको 24 में देंगे, 4,000 का फर्क ऑनलाइन पर, और बिल देंगे फ्लिपकार्ट का। जब आपको प्रॉब्लम आती है जब आपकी क्लेमिंग पे, जब ये 2-3 महीने में ख़राब होता है, आप जब जाते हैं सोनी सर्विस सेंटर में तो वहाँ पे ये मांगते हैं येलो कलर का वारंटी का जो अंदर अवेलेबल नहीं होता है, जो अवेलेबल नहीं होता है, और वहाँ सोनी का सर्विस सेंटर ये लेता नहीं है, फ्लिपकार्ट वाला बोलता है ये फ्लिपकार्ट अशॉर्ड वाला नहीं था, ये तो एक थर्ड पार्टी ने आपको डीलर ने दिया, तो वहाँ कस्टमर फंस जाते हैं, फिर वो हमारे पास आता है, फिर हम लोग उसको रिपेयर करके देते हैं, पर हम लोग उससे चार्ज लेते हैं, पर बाकायदा जब उसने बिल वाला प्रोडक्ट लिया है वो क्लेम नहीं कर सकता, ये फ्रॉड हो रहा था। तो आप कहीं से भी खरीदे, ऑनलाइन भी खरीदे, तो उसमें स्पेशली देखे जब वो PS4 का बॉक्स खोले उसमें येलो कलर का एक वारंटी कार्ड होता है सोनी का, वो होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है मतलब वो चीटिंग होगी आपको, यहाँ से भी क्लेम कर सकते हो, सोनी सर्विस सेंटर से भी कर सकते हो, मतलब जो यहाँ से खरीदता है उसको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन से जो खरीदता है। बेसिकली आपको जो भी सर्विस चाहिए डोर स्टेप पे मिल जाएगी यहीं पे। अरे रुको रुको, ये तो बस पार्ट 1 ही था इस वीडियो का, और पार्ट 2 में जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए गुड बाय। एक्सबॉक्स के फैन बॉयज मुझे कहेंगे कि आपने हमारे बारे में क्यों नहीं बताया, तो हम एक्सबॉक्स के बारे में पूछ लेते हैं, तो हमें वेट करना चाहिए PS5 का या PS4 हम लोग ले सकते हैं अभी? हमें एक्सबॉक्स लेना चाहिए या PS4? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप सही से जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे फैन बॉयज हैं। एक्सबॉक्स को निंटेंडो ट्राई करना है इंडिया में, तो आपके शॉप पे अगर मिनिमम मुझे अपने PS4 में कुछ रिपेयर कराना है तो मिनिमम चार्जेस क्या होंगे? मिनिमम चार्जेस तो देखो